हेलो फ्रेंड, आज की स्टूडियो में आप सबको क्लास 12th भूगोल का एमसीक्यू प्रश्न कराए जाएंगे। तो चैप्टर 17 एंड चैप्टर 18। आपको एक चीज़ और मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, 2023 का आपका पेपर नज़दीक आ चुका है ज्योग्राफी का, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न हैं उनको कराना शुरू कर दिया जाएगा। अभी सारी चीज़ें तैयार की जा रही थी, इम्पॉर्टेंट प्रश्न उन्हें बनाया जा रहा था, इसलिए थोड़ा देरी लगा। तो आपकी क्लासेस जल्द ही शुरू हो जाएंगी, आप लोग सभी को बता दीजिएगा जितने लोग पढ़ना चाहते हैं ज्योग्राफी। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए चैप्टर 17 के बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न से दो लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, जो नहीं पढ़े उनको आंसर याद हो जाएगा और जो पढ़े हैं उनका रिविजन हो जाएगा कितना हमें याद है कितना नहीं। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर 17 के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको पहले कराया जाएगा। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा लौह धात्विक खनिज है, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लौह धात्विक खनिज है। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है बॉक्साइट, ऑप्शन सी है मैग्नीज, ऑप्शन डी है क्या मैग्नीशियम लिखा हुआ है। तो इनमें से कौन सा उत्तर आपका सही होगा, मैग्नीज। इनमें से कौन सा लौह धात्विक खनिज है, तो आपका मैग्नीज सही उत्तर होगा। चलिए दूसरा प्रश्न आपको कराते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा खनिज ईंधन खनिज नहीं है, तो कोयला क्या है आपका ईंधन खनिज है, अभ्रक क्या है आपका ईंधन खनिज है, पेट्रोलियम आपका अभ्रक आपका ईंधन खनिज है। चलिए भी मैं बताता हूँ, पेट्रोलियम आपका क्या है, ये भी ईंधन ही खनिज के रूप में आता है। प्राकृतिक गैस ये भी आपका ईंधन खनिज के ही रूप में आता है, लेकिन जो आपका अभ्रक है ये आपका ईंधन खनिज नहीं है। चलिए तीसरा प्रश्न आपको कराते हैं। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर आप याद रखिएगा कि बेलाडीला की खान किस राज्य में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो बेलाडीला की खान किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा कि नेवली में किस खनिज में निक्षेप मिलते हैं। तो यहाँ पर पहला है पेट्रोलियम, लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट। नेवली में किस खनिज के निक्षेप मिलते हैं, तो आपका कोयला इसका क्या होगा राइट उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए पांचवा प्रश्न आपको कराते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य मोनाजाइट तथा थोरियम में समृद्ध है, ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है झारखंड। तो मोनाजाइट तथा थोरियम में समृद्ध कौन सा राज्य है, आपका केरला है, तो केरल यानी ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मयूरभंज निक्षेप किस खनिज से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इन्हें आप याद रखिएगा। तो जो आपका मयूरभंज है वो किस खनिज से संबंधित है, लोहा से है कि बॉक्साइट से है कि यूरेनियम से है, किनमें से कोई नहीं। तो मयूरभंज आपका लोहा खनिज से क्या है संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोहा का है कि एल्युमिनियम का है कि तांबा का है कि मैग्नीज का है। तो बॉक्साइट देखिए आपका एल्युमिनियम का क्या है अयस्क है। चलिए आठवां प्रश्न आपको कराते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा ये अपरंपरागत स्रोत है कि नहीं है, सौर ऊर्जा, तरंग ऊर्जा कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या होगा, कोई नहीं, सभी क्या है आपका परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, नाभिकीय ऊर्जा भी, सौर ऊर्जा भी, तरंग ऊर्जा भी, इसमें पूछा था अपरंपरागत। तो चलिए अगला प्रश्न हम कराते हैं। नौवां प्रश्न है आपका, भारत में कौन सा कोयला सबसे अधिक पाया जाता है, आपका लिगनाइट है कि बिटुमिनस है, यहाँ पर एंथ्रेसाइट है, सी डी है आपका पीट। तो यहाँ पर ये देखिए ये लिग्राइट जो लिखा हुआ है ये क्या है आपका लिग्नाइट है, गलत मिस्टेक से लिखा हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, भारत में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है बिटुमिनस प्रकार का, आप सभी लोगों को पता चल गया होगा। दसवां, ये देखिए नौवां प्रश्न आप जरूर याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दसवां प्रश्न है देखिए, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था, इस प्रश्न का उत्तर तो हमें लगता है कि सभी को याद ही रहना चाहिए, आपका नाहरकटिया में कि बरौनी में कि मुंबई में, ये मुंबई हाई मत बस मुंबई लिखा रहेगा, डी ऑप्शन है डिगबोई, क्या डिगबोई, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का ही क्या होगा सही उत्तर होगा। चलिए अब मैं आपको चैप्टर 18 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुविकल्पी के उनको कराता हूँ। तो ये देखिए आपका चैप्टर 18 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है, ये आप ही के किताब का है,
तो भारत में वैश्वीकरण का आगमन कब हुआ? पहला प्रश्न है आपका। इसका विकल्प पहला है 1992, बी है 1991, सी है 1990, डी है 1994। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 1900 कितना? 91। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या होगा? राइट उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत में पाए जाने सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग किस राज्य में पाए जाते हैं? तो देखिए ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आपका गुजरात, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है या ऑप्शन आपका डी है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग किस राज्य में पाए जाते हैं? वो आपका है तमिलनाडु। यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या होगा? राइट उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपको कराते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चीनी उद्योग में भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है कि बिहार है कि महाराष्ट्र है कि प्राकृतिक रेशे? आपका गलत ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपका गलत ऑप्शन है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए सही है कि बी सही है कि आपका सी सही है। तो चीनी उद्योग में भारत का सबसे अग्रणी राज्य जो है महाराष्ट्र है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपको कराते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रो रासायनिक उद्योग का उपवर्ग नहीं है? तो पॉलीमर ऑप्शन ए है, बी है इस्लातोमेर, सी है कृत्रिम रेसे, डी है प्राकृतिक रेसे। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक रेसे जो है वह पेट्रो रासायनिक उद्योग का उपवर्ग क्या है? नहीं है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ये देखिए इलास्टोमेर है। क्या है? इलास्टोमेर। इसे गलत मत समझिएगा कि मिसप्रिंट लिखा हुआ हो सकता है, ये सही लिखा हुआ है। आई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न आपको कराते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली आधुनिक सूती मिल कहाँ स्थापित हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है रिसरा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में पहली आधुनिक सूती मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी? मुंबई में। इन प्रश्नों को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपको कराते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, सेलम कौन से उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सेलम आपका किस उद्योग के लिए जाना जाता है? इस्पात उद्योग के लिए, कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए, कि पेट्रो रासायनिक उद्योग के लिए, कि चीनी उद्योग के लिए? तो सेलम जो है आपका ये इस्पात उद्योग के लिए क्या हुआ? जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपको कराते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की मदद से की गई? ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रिटेन की सहायता से, कि रूस की सहायता से, कि जर्मनी की सहायता से, कि अमेरिका की सहायता से? तो बोकारो इस्पात जो है आपका रूस देश की सहायता से क्या स्थापना की गई थी। अगला हम प्रश्न आपको कराते हैं, देखिए 8वां प्रश्न है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को जल आपूर्ति कहाँ से होती है? महानदी से होती है, कि सुवर्ण रेखा से होती है, कि दामोदर नदी से होती है, कि बराकर नदी से होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दामोदर नदी से। दुर्गा इस्पात संयंत्र को जल आपूर्ति कहाँ से होती है? दामोदर नदी। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये देखिए जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्लास 12th में तो आपसे पूछे ही जाएंगे। जब आप क्लास 12th पास करोगे, बीए के लिए कहीं पर एंट्रेंस एग्जाम दोगे, वहां पर भी ये सारे आपसे पूछे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न देखिए, सुवर्ण रेखा नदी किस इस्पात संयंत्र की जल पूर्ति करती है? तो सुवर्ण रेखा जो है, इस प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर याद रखेंगे तो काफी अच्छा होगा। जो सुवर्ण रेखा नदी है वह किस इस्पात से जल पूर्ति करती है? वह आपका टिस्को से। किसका? ऑप्शन नंबर है टिस्को, TISCO। चलिए अगला प्रश्न आपको कराते हैं, 10वां प्रश्न है। देखिए 10वां प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लौह इस्पात उद्योग में होता है? कोककारी, ये एक ही में है, एक ही में लिखा है, इसमें मिसप्रिंट होकर लिख दिया है, कोककारी कोयला। अगला है हमारा बी ऑप्शन है चूना पत्थर, सी ऑप्शन है डोलोमाइट। तो ऑप्शन ही देखने में आपको लग गया होगा कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या होगा? सही उत्तर होगा इनमें से सभी। क्या? इनमें से सभी। तो यहां पर देखिए इस चैप्टर के 10 प्रश्न कंप्लीट।